हेलो नमस्ते आदाब, मेरा नाम सोनाली है। शुरू हो चुका है द सिनेमा शो, जहां आपको मिलती है फिल्मी दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी और जरूरी खबरें। चलिए शुरू करते हैं आज का खबरनामा। सबसे पहली खबर है टाइगर श्रॉफ की, जिनका नया गाना वंदे मातरम रिलीज हुआ, लोगों ने इसे खूब प्यार दिया। अपडेट ये है कि टाइगर जल्द ही फिल्म मेकर सुभाष घई के साथ नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने वाले हैं। सुभाष घई ने कल खुद इस बात की तरफ इशारा भी किया। सुभाष ने अपने ट्विटर हैंडल पर टाइगर श्रॉफ के साथ कुछ तस्वीरें शेयर की। लिखा, मेरे ऑफिस में आज सुपर हीरो टाइगर श्रॉफ, डायरेक्टर अहमद खान और सिनेमेटोग्राफर कबीर लाल के साथ लंच किया। सिनेमा के बीते दौर और बड़े स्क्रीन के लिए भविष्य कैसा होगा, इस पर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। साथ ही एक शानदार मोशन पिक्चर बनाने के लिए उत्साहित हूं। सुभाष के साथ टाइगर श्रॉफ का यह पहला प्रोजेक्ट होगा। इससे पहले वो जैकी श्रॉफ के साथ कुछ कल्ट फिल्में जैसे राम लखन, हीरो, यादें और कर्मा में काम कर चुके हैं। टीवी का सबसे पॉपुलर गेम शो कौन बनेगा करोड़पति का 13वां सीजन 23 अगस्त से शुरू होगा। सोनी टीवी ने अपने सोशल मीडिया पर कल इसकी अनाउंसमेंट की। ये शो मंडे टू फ्राइडे रात 9 बजे टेलीकास्ट किया जाएगा। केबीसी के प्रमोशन कैंपेन के लिए बनाए गए वीडियोस के तीसरे पार्ट को भी कल रिलीज कर दिया गया, जिसका डायरेक्शन किया था नितेश तिवारी ने, जो इससे पहले दंगल और छिछोरे जैसी फिल्में बना चुके हैं। कौन बनेगा करोड़पति बीते 21 सालों से चल रहा है। बीच में कुछ सालों के लिए इसे बंद भी करना पड़ा था। साल 2000 में शुरू हुआ ये शो पहले स्टार प्लस पर टेलीकास्ट किया जाता था। नेटफ्लिक्स के पॉपुलर रियलिटी शो इंडियन मैच मेकिंग के दूसरे सीजन की अनाउंसमेंट हो गई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे सीजन में भी सीमा तपारिया नजर आएंगी। साल 2020 में नेटफ्लिक्स पर आने वाले इस 8 एपिसोड के शो ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। शो का कॉन्सेप्ट शादी के लिए जोड़ियां बनाने का था, जिसमें उनकी मदद करती थी सीमा टपारिया। वो लोगों के लिए राइट मैच ढूंढती थी। ये शो जितना पॉपुलर हुआ उतना ही क्रिटिसाइज भी किया गया और करना भी चाहिए, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। कल के सिनेमा शो में हमने आपको बताया था कि फरहान अख्तर जल्द ही प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट और कटरीना कैफ के साथ मूवी बनाने वाले हैं, जिसका नाम होगा जीले जरा। ये फिल्म साल 2022 में फ्लोर पर आएगी। मूवी के अनाउंसमेंट के बाद प्रियंका और आलिया ने बताया कि इस फिल्म पर बीते साल मार्च में काम शुरू हो चुका है। आलिया ने इंस्टा पर प्रियंका और कटरीना के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा, 2 साल पहले 3 लड़कियां एक सपना लेकर साथ आईं। इस सपने को सच करने के लिए वो फरहान अख्तर, जोया अख्तर, रीमा कागती और रितेश सिधवानी के पास गईं और अब 50 जूम कॉल्स, अनगिनत ठहाकों और प्यार के साथ हम ला रहे हैं जीले जरा। प्रियंका चोपड़ा ने भी अपने लंबे से पोस्ट में कुछ ऐसी ही कहानियां बयां की। बताया कि जीले जरा फिल्म का आइडिया तीनों एक्ट्रेसेस का ही था। फरहान भी एक फीमेल रोड ट्रिप मूवी पर काम कर रहे थे। अब पहली बार कटरीना, आलिया और प्रियंका एक साथ स्क्रीन शेयर करती दिखाई देंगी। एक्टर अनुपम श्याम अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। हमने आपको बताया था कि वो कई बीमारियों और आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। अब अनुपम के भाई अनुराग श्याम ने आमिर खान पर गंभीर आरोप लगाया है। अनुराग ने कहा, हमारा परिवार बहुत बुरे समय से गुजरा था। मेरी माँ की पिछले महीने डेथ हो गई। अनुपम इस बात से बेहद दुखी थे कि माँ का देहांत होने के बाद प्रतापगढ़ नहीं जा सके, क्योंकि वहाँ कोई भी डायलिसिस सेंटर नहीं, इसलिए अनुपम को वहाँ ले जाना बेहद रिस्की होता। उन्होंने कहा, हमने प्रतापगढ़ में एक डायलिसिस सेंटर की व्यवस्था करने की काफ़ी कोशिश भी की, यहाँ तक कि आमिर खान से भी बातचीत की। आमिर ने आश्वासन दिया कि वह प्रतापगढ़ में डायलिसिस सेंटर की व्यवस्था करवा देंगे, लेकिन कुछ महीनों बाद उन्होंने फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। अनुराग श्याम ने कहा, उनकी मदद योगी आदित्यनाथ ने की थी। टीवी का पॉपुलर कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो का दूसरा सीजन जल्द ही शुरू होने वाला है, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। कल कपिल शर्मा ने नए सेट से कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की, जिसमें एटीएम मशीन, होटल चिल पैलेस, 10-स्टार कैफे और गेस्ट के लिए सिटिंग एरिया दिख रहा था। इसके साथ ही अर्चना पूरन सिंह की सीट और म्यूजिशियंस के लिए नया सेटअप भी दिख रहा था। इन फोटोज को शेयर करते हुए कपिल ने लिखा, नया सेट कैसा है फ्रेंड्स। वैसे ये शो कब से शुरू होगा और इसकी डिटेल्स कपिल ने अभी तक नहीं बताई। टीवी शो गुम है किसी के प्यार में फेम एक्ट्रेस यामिनी मल्होत्रा की कार बीते दिनों आग की चपेट में आ गई थी। उस समय यामिनी कार के अंदर ही थी, वो जुहू से लोखंडवाला जा रही थी। यामिनी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में बताया, मैं आम दिनों की तरह ही मंगलवार रात को ड्राइव के लिए निकली थी, जुहू के बाद लोखंडवाला जा रही थी। मैंने कुछ फन फोटोज भी इंस्टाग्राम पर शेयर किए, लेकिन जैसे ही मैंने कार ड्राइव करना शुरू किया, मैंने देखा कि बोनट से धुआं उठ रहा है। इससे पहले कि मैं कुछ भी समझ पाती, आग के लपटे तेज हो गई। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि मैं हैरान रह गई। यामिनी ने बताया कि कुछ लोग उनकी मदद के लिए आगे आए और फिर वो कार से समय रहते बाहर निकल पाई। उन्होंने कहा,
मैं अपनी कार को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाई। मैं बस यही सोच रही थी कि क्या होता अगर मैं अंदर ही लॉक हो जाती तो। यामिनी ने बाद में पुलिस स्टेशन में एक्सीडेंट की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। जब वो टीम के साथ कार के पास पहुंचे तो वहां सिर्फ लोहे का मलबा था, उनकी कार राख हो चुकी थी। अंकुश फिल्म का गाना इतनी शक्ति हमें देना दाता की सिंगर पुष्पा इन दिनों तंगी से जूझ रही है। उन्होंने बताया कि पिछले साल में एक भी म्यूजिक कंपनी ने उन्हें रॉयल्टी नहीं दी है। वो इन दिनों अपने रिश्तेदारों से मदद की गुहार लगा रही हैं। पुष्पा ने बताया कि उन्होंने साल 1989 में सरकार से घर दिए जाने की मांग की थी, मगर पिछले 32 सालों से उनकी मांग पूरी नहीं हुई। पुष्पा आज पाई पाई को मोहताज है। अगली खबर राज कुंद्रा की है, जिनकी जमानत याचिका पर मुंबई सेशंस कोर्ट में अब 20 अगस्त को सुनवाई होगी। अगली सुनवाई तक राज को पुलिस कस्टडी में ही रहना पड़ेगा। इससे पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट उन्हें जमानत देने से इनकार कर चुकी है। वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट में भी राज कुंद्रा की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। पोर्नोग्राफी केस में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राज को 19 जुलाई की रात को गिरफ्तार किया था। उन्हें पहले 23 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया, जिसे बढ़ाकर 27 जुलाई तक कर दिया गया था। 27 जुलाई को अदालत ने राज और रायन को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। फिर राज ने 28 जुलाई को मजिस्ट्रेट कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने नामंजूर कर दिया था। एक्ट्रेस और मॉडल सागरिका शोना ने उल्लू ऐप के मालिक विभु अग्रवाल पर संगीन आरोप लगाए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उल्लू ऐप के निर्माताओं से एक बार उनका सामना हुआ। अपनी पहली मुलाकात का जिक्र करते हुए एक्ट्रेस ने बताया कि वो उनका बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। सागरिका ने आरोप लगाया कि उल्लू के प्रोड्यूसर्स ने उनसे न्यूड क्लिप्स मांगे। सागरिका शोना ने कहा, उल्लू डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड हार्डकोर पॉर्न दिखाने वाला ऐप चला रहे हैं। सागरिका ने इससे पहले राज कुंद्रा पर भी आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि राज और उनके साथियों ने न्यूड ऑडिशन देने के लिए उनसे कहा था। तो बस आज के शो में आपके लिए बड़ी खबरें इतनी ही। अब आपसे मुलाकात कल होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए द लल्लन टॉप। मैं सोनाली हूँ, शुक्रिया।